आपका अद्भुत समय कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आप लोग संतुष्ट हैं ना? आप लोग सब संतुष्ट रहे इसीलिए हमने आपके लिए स्पेशल प्रोग्राम किया है, ओके? हमारे आज के कार्यक्रम में दो लोग पार्टिसिपेंट करने वाले हैं, जेनी और फेनी, और स्मेटलन इनका इंटरव्यू लेने वाली है। इन दोनों ने ऐसा क्या अचीव किया है, चलिए देखते हैं। हाय हाय, आप दोनों के दोनों खुश तो है ना? हाँ, हम दोनों बहुत खुश हैं। सुना है कि आप दोनों रिलेटिव हैं। हाँ, सही में हम दोनों रिलेटिव्स ही हैं। आपने क्या टोटल अचीव किया है, अपने कट ऑफ के बारे में बोलिए। हायर सेकेंडरी में मुझे 1200 में से 1177 मार्क्स मिले, और मेरा जो कट ऑफ है मेडिसिन और इंजीनियरिंग के लिए 197.5 है। और आपके? हायर सेकेंडरी में मेरे टोटल मार्क्स 1200 में से 1177 आए। हर एक सब्जेक्ट में मेरे जो मार्क्स आए हैं, बायोलॉजी में 198, मैथ्स 199, फिजिक्स केमिस्ट्री 198, इंजीनियरिंग कट ऑफ 198.5 है, मेरा मेडिसिन कट ऑफ 198 है। सीक्रेट बिहाइंड सक्सेस के बारे में आप क्या कहती हैं? मैं बचपन से ही ज्यादा पढ़ाई नहीं किया करती थी, और 10वीं में और 12वीं में जो नंबर आए वो परमेश्वर की कृपा से ही आए। बायोलॉजी के एग्जाम में मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उस वक्त मेरे सपने में दो दिन पहले ही, परीक्षाएं शुरू होने से दो दिन पहले ही, मेरे सपने में कोई आकर कह रहा था कि ये क्वेश्चन पढ़, ये क्वेश्चन पढ़। मैंने इस बात को सीरियस नहीं लिया, लेकिन फिर भी मैंने अपने फ्रेंड्स से बताया। वो ब्लड का चैप्टर था, उस चैप्टर को हम सबने पढ़ा। फिर जिस दिन एग्जाम था उस दिन सुबह सुबह मैं बहुत ही टेंशन में थी कि पता नहीं मैं कैसे लिखूंगी, क्योंकि मेडिसिन कट ऑफ के लिए बायोलॉजी के मार्क्स बहुत ज़रूरी होते हैं। तो उस समय मैं बाइबल पढ़ रही थी, कह रही थी प्रभु मेरा डर दूर कर दो। तब अचानक देखा कि कोई आवाज़ मुझे बहुत इंसिस्ट कर रही थी कि वो वाली बुक निकाल कर ये पढ़। वो भी वही क्वेश्चन था, ब्लड का क्वेश्चन, और उसकी जो वैल्यू थी वो मेरे दिमाग में ब्लैंक थी। तो मुझे लगा कि शायद प्रभु ही बोल रहे हैं, क्योंकि मैं बाइबल पढ़ रही थी इसलिए मुझे लगा। तो तुरंत मैंने बाइबल पढ़ना बंद करके वो बुक निकाल के उसकी सारी वैल्यूज पढ़ी। उसके बाद वो एक क्वेश्चन था। फिर जब मैं स्कूल के लिए निकल रही थी उस समय सारे प्रश्न मन ही मन दोहरा रही थी, लेकिन टेंशन में ये वाला भूल गई थी, जो टॉपिक था वो भूल गई थी। तो वो भी पढ़, ऐसा बोलकर किसी ने मुझे बहुत ही इंसिस्ट किया। निकाल के पढ़ा, एग्जाम हॉल जाकर देखा तो दोनों क्वेश्चंस की डिटेल थी। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, इसलिए मेरा सीक्रेट प्रभु है। सीक्रेट बिहाइंड सक्सेस के बारे में आपका क्या कहना है? मेरा सीक्रेट बिहाइंड सक्सेस जो है वो प्रार्थना है। 12th की शुरुआत में ही मेरी जो जिंदगी है वो काफी दुखदाई थी, क्योंकि स्कूल खुलने के बाद जुलाई में मुझे अचानक जॉन्डिस हो गया था। हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, एक हफ्ते तक हॉस्पिटल में ही रहा, बहुत तकलीफ हुई। उसके बाद जब मैं ठीक हुआ तो मैं फिर से अपने स्कूल गया। अपना ट्रीटमेंट कराने के बाद जब मैं क्योर हो गया तो फिर से अक्टूबर के महीने में 13 तारीख को मेरा एक्सीडेंट हो गया, और उसमें मेरी आंख के नीचे हड्डी में चोट लग गई थी। उसकी वजह से करीब 2 हफ्ते मैं स्कूल नहीं जा पाया, और तभी से घर में और स्कूल में जो ट्यूशन टीचर थे उन सब ने मेरे लिए प्रार्थना की, और मैंने भी की। उसी प्रार्थना के वजह से मैंने जय पाई। सीक्रेट बिहाइंड सक्सेस के बारे में आप दोनों ने प्रार्थना कहा है, तो अपनी प्रार्थना के बारे में कुछ कहिए। प्रार्थना के बारे में जितनी हो सकती उतनी करता हूँ। उसके अलावा हम लोग चर्च में, हम दोनों एंडेवर और कॉयर में बहुत एक्टिव रहते हैं। कॉयर में गाना बहुत अच्छा लगता है, ईशु के लिए गाने में बहुत खुशी मिलती है। अपने स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में बताइए। रोजाना सुबह उठकर प्रार्थना करती हूँ, और रात को सोने से पहले बाइबल पढ़ के प्रार्थना करके सोती हूँ। घर में सपरिवार प्रार्थना मिलकर करते हैं। उसके अलावा चर्च में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं सब अटेंड करती हूँ। कुछ लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि ये क्या, ये लड़की पढ़ाई नहीं करती है, लेकिन उसके बावजूद मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। ये सब प्रभु की कृपा है, और यही मेरी स्पिरिचुअल लाइफ है। प्रार्थना करने की वजह से ही मुझे अच्छे मार्क्स मिले हैं, और मैं सबको गर्व से बताती हूँ। आपके लिए मेरी तरफ से जो एडवाइस है, अपने हर काम में प्रभु को सबसे आगे रखें। प्रभु को सबसे आगे रखने से अवश्य आप फर्स्ट आएंगे। दूसरा, जब आप पढ़ते हैं तो कभी भी, चाहे कोई भी विषय हो, स्किप किए बिना पढ़े। जो परीक्षा हो उसी विषय को पढ़े, देखना आप अच्छा लिखेंगे और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अपने हर काम में प्रभु को सबसे आगे रखें, और कोई भी काम शुरू करने से पहले प्रार्थना करें और बाइबल भी पढ़ें।
ये मेरी फर्स्ट एडवाइस है, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि प्रार्थना करने से आपका टाइम खराब होगा, क्योंकि सबसे पहले यीशु का नाम लेकर आप पढ़ाई शुरू करेंगे तो आप जो भी याद करेंगे आप भूलेंगे नहीं। आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपकी पढ़ाई को लेकर तवज्जो देकर आपकी पढ़ाई में मदद करते हैं। एक बात जान लो, आप अपने माता पिता की कोई बात ना टाले। इतना ही नहीं, आपको जिस तरह की मदद चाहिए उसके लिए आप किसी और से तो नहीं बोल सकते, पेरेंट्स से ही बोल सकते हैं। इसलिए रिलैक्स होकर एक फ्रेंड की तरह अपने पेरेंट्स से बात करें। जो भी मदद चाहिए आप उनसे मांग लें, जीवन सफल हो जाएगा। जेनी और फेनी के अचीवमेंट्स के बारे में हमने देखा, और अब हमारे बीच मिस्टर जोसेफ जयब्राज एग्जाम्स के बारे में कुछ टिप्स देने वाले हैं। जो बच्चे परीक्षाएं लिखने की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को अपनी तरफ से मैं कुछ सलाह मशवरा देना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको करना है कि प्रभु को अपने समक्ष रखें। टीम विद गॉड, ब्रेसलिन जो कि बहुत ही मशहूर फुटबॉल का खिलाड़ी है, उसने एक बार कहा था, मेरी जीत का कारण प्रभु को हमेशा अपने समक्ष रखना है। यीशु जब आपकी टीम के साथ रहते हैं तो अवश्य आप जय प्राप्त करेंगे। परीक्षाओं के दिन नज़दीक हैं और कई जगह परीक्षाएं चल रही हैं। एनीवे, आप सबको परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए मैं अपनी तरफ से 3 महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ। प्लान योरसेल्फ, योजना बनाकर पढ़ें। पढ़ाई करते समय जब आप पढ़ते हैं तो जिस विषय को सबसे ज्यादा महत्व देना चाहते हैं योजना बनाकर पढ़ें। दूसरी बात है आपका प्रिपरेशन। परीक्षा से पहले आपकी तैयारी बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि अगर आप बिना सोए देर रात तक पढ़ते रहेंगे तो अगले दिन अपनी परीक्षा ठीक से नहीं लिख पाएंगे। इसलिए जितना आपसे हो सके आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो सब बिस्तर पर जाने से पहले एक बार अच्छी तरह से दोहराकर सोने जाएं। परीक्षा का दिन बहुत खास दिन होता है, सुबह सवेरे उठ जाइए और उठकर आप परमेश्वर की प्रार्थना करके प्रभु के सामर्थ्य के साथ आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो सब एक बार रिवाइज करें, और जो परीक्षा सेंटर है वहाँ पर थोड़ी देर पहले ही पहुँच जाएं और एग्जाम हॉल में शांति से रहें। जो कुछ आपने पढ़ा मन ही मन उसे दोहराते रहें। बिना वजह किसी से आप ज़्यादा बातें ना करें या किसी की बातें सुनना ये सब ना करें। जैसे ही एग्जाम हॉल में आएं प्रार्थना में ही बने रहें। जब आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है तो सारे प्रश्नों को एक बार अच्छी तरह से देख लें, और आपको जिस प्रश्न का उत्तर बहुत ही अच्छी तरह से आता है उस प्रश्न का उत्तर सबसे पहले दिमाग में बिना किसी कन्फ्यूजन के उस प्रश्न के उत्तर को सबसे पहले लिखें। इस तरह सारे उत्तर लिखकर सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने के बाद अगर आपके पास समय बचा हुआ है तो सारे प्रश्नों के उत्तर एकदम सही लिखे हैं उसकी एक बार जाँच करें। उसके बाद आंसर पेपर जो भी सुपरवाइजर है उसको देकर परमेश्वर को धन्यवाद देकर वहाँ से बाहर निकलें। अब हमारे बीच एक डॉक्टर टिप्स देने वाले हैं, वो है डॉक्टर अनबराज। जो बच्चे परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं हम उन बच्चों को हमारी तरफ से सलाह मशवरा देते रहते हैं, और एक डॉक्टर की हैसियत से बच्चों का हौसला बढ़ाता हूँ, शारीरिक और मानसिक ऐसी किसी भी अवस्था में परीक्षा का सामना करने के लिए सलाह देते हैं। परीक्षा अच्छी तरह से देने के लिए सबसे पहले मानसिक रूप से तैयार होना पड़ता है। कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। परीक्षाएं जब देने जाते हैं तो बिना घबराए रिलैक्स रहें। इसके अलावा जो दूसरी सबसे ज़रूरी बात है, कुछ छात्र और छात्राएं वो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कभी कभी कुछ दवाइयाँ भी ले लेते हैं। खासकर बच्चों को कोई टेंशन हो या ना हो, एग्जाम में माता पिता को टेंशन हो जाता है, इसलिए वो करते ये है कि डॉक्टर के पास जाकर जब एग्जाम टाइम होता है थोड़ा वेट कर वहां जाके इंतजार करना होगा, टाइम वेस्ट होगा, उतनी देर तक तुम यहाँ पढ़ सकते हो, ऐसा बोलकर बच्चों को टेंशन दे देते हैं। उसके लिए जो रेगुलर मेडिकल चेकअप के लिए जाते हैं वो नहीं जा पाते, और कभी कभी कोई छोटी मोटी बीमारी आ जाए तो अस्पताल नहीं भेजते हैं, घर में पड़ी दवाई खिलाकर पढ़ने को बोलते हैं, और दवाई खाकर स्कूल चले जाओ ऐसा बोलकर उन्हें जो इलाज चाहिए होता है वो इलाज उन्हें दिए बिना ऐसे ही छोड़ देते हैं। एग्जाम के समय जब आपको छोटी मोटी परेशानी होती है तो पढ़ाई करते समय उन परेशानियों को दिमाग से निकाल दो, क्योंकि परेशानी को और बढ़ाओगे तो उससे आपकी पढ़ाई में बाधा होगी। इसलिए जो रेगुलर मेडिकल चेकअप्स है वो कराते रहें, और जो दवाई दी जाती है उसे रेगुलर खाएं। उसके बाद नींद, नींद की वजह से बच्चों को ज़्यादा परेशानी होती है। एग्जाम्स आते आते बिना सोए अगर लगातार पढ़ते रहेंगे तो उससे दिमाग में फिजूल की बातें आती हैं। हर बच्चे को कम से कम 6 घंटे सोना चाहिए, एटलीस्ट
5 घंटे तो सोना ही चाहिए, और जब आपको नींद आती है तो आपकी नींद कंटिन्यू रहनी चाहिए। नहीं तो 1 घंटा सोकर 4 घंटे की पढ़ाई, फिर 1 घंटा सोना, फिर 5 घंटे की पढ़ाई, उसके बाद फिर 1 घंटा सोना, तो इस तरह गैप दे देकर सोना ये ठीक नहीं है। जब आप सोते हैं तो आपकी नींद कंटिन्यू रहनी चाहिए, मिनिमम 5 घंटे तक। जिस दिन आपका एग्जाम होता है उस दिन ये नींद बहुत जरूरी होती है, तभी आपका मन संतुलित रहेगा। उसके बाद पानी पीने की जो मात्रा है उसके लिए ये जरूरी है कि हर बच्चे को 2 लीटर से 3 लीटर तक पानी पीना चाहिए, क्योंकि पानी पीने की मात्रा जब कम हो जाती है तो प्यास लगने लगती है, और जब ये प्यास लगती है तो हमारे शरीर में जो सेल हैं वो विचलित होते हैं, और जब बॉडी के सेल विचलित होते हैं तो उससे हमारे शरीर में अजीब सी थकान होने लगती है। उसकी वजह से हमारी पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, ऐसी समस्याएं पैदा होती हैं। तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। बच्चों को पढ़ाई करते समय थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए, एक ही बार में सारा का सारा पानी नहीं पीना चाहिए। एक एक दो दो घूंट पानी पी पी कर पढ़ाई करेंगे तो उससे आपकी पढ़ाई को बहुत फ़ायदा मिलेगा। एग्जामिनेशन के समय आपको कैसे रहना चाहिए, उसके लिए मैंने आपको ये सलाह दी है। अगर आप मेरी दी गई सलाह पर अमल करेंगे तो देखना प्रभु आपको ज़रूर दानियल की तरह हर एक सब्जेक्ट में 10 गुना अच्छे मार्क्स पाएंगे, वैसे प्रभु सहायता करेंगे। और अब मोहन अंकल का मैसेज। प्रिय बंधुओं, यीशु के नाम से मैं आपका स्वागत करता हूँ। एग्जाम्स लिखने वाले बच्चों को, विशेषकर आज के दिन प्रभु ने आपको जो वचन दिया है वो याद दिलाना चाहता हूँ। नीति वचन 21वां अध्याय 31वां वचन। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा से मिलती है। आप जय पाने वाले हैं, बहुत बड़ी जय पाने वाले हैं, खूब सारे नंबर पाने वाले हैं। नहीं, मैंने आज तक बहुत कम नंबर पाए हैं, बहुत मुश्किल से पास होता आया हूँ। क्वार्टरली हाफ ईयरली में कोई खास नंबर नहीं पाए हैं, ऐसा सोच के डर रहे हैं? बिल्कुल मत डरिए, प्रभु ने आपके लिए बहुत बड़ी जय रखी हुई है, ये बात आप कतई न भूलें। एक बार एक लड़का जब मैं एक सभा में गया हुआ था प्रार्थना के लिए आया, लेकिन वो मेरी पत्नी से ही मुलाकात कर पाया, और उसने कहा कि आंटी मैं +2 का एग्जाम लिखने वाला हूँ और मुझे गणित के सवाल ही नहीं आते हैं। मैं आज तक क्वार्टरली हाफ ईयरली किसी भी एग्जाम में मैथ्स में पास ही नहीं हो पाया हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करता हूँ, मेहनत करता हूँ, लेकिन गणित दिमाग में चढ़ती ही नहीं है, और इसीलिए बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, मैं कैसे पास कर पाऊँगा, मेरे लिए आप प्रार्थना करेंगे, ऐसा उसने कहा। उसके अंदर एक डर था कि आज तक मैं पास नहीं हो पाया हूँ तो बोर्ड के एग्जाम में मैं कैसे पास हो पाऊँगा। तो मेरी पत्नी ने उसका हौसला बढ़ाया, अगर यीशु तेरे साथ रहेंगे तो तू कुछ भी कर सकता है, जय पा सकता है, तो बिल्कुल मत डर, प्रार्थना कर करके इस दिन से इस दिन तक पढ़ना, प्रभु तेरी सहायता करेंगे, बोलकर प्रार्थना करके उसकी हिम्मत बढ़ाई। और इसी तरह कुछ महीने बीत गए। फिर से कुछ महीनों बाद उस शहर में मैं सेवा कार्य के लिए गया हुआ था, तो वो लड़का मुझसे मिलने के लिए आया। क्या बात है, पूछा तो उसने कहा कि आंटी से मिलने आया हूँ। मैंने उससे पूछा किस बारे में, तो उसने बताया कि मैं हमेशा मैथ्स में फेल हो जाता था, मेरे पास होने की कोई उम्मीद नहीं थी, तब उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की, मेरा हौसला बढ़ाकर प्रार्थना करके मुझे भेजा। मैंने भी प्रार्थना कर करके पढ़ाई की, मैंने बहुत अच्छे नंबर लाकर जय पाई। मुझे खुद आश्चर्य हुआ कि मुझे इतने अच्छे नंबर मिले, मुझे तो पास होने की ही उम्मीद नहीं थी, फिर भी अच्छे नंबर पाकर आज मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में आगे की पढ़ाई कर रहा हूँ, ये खुशखबरी सुनाने के लिए ही आया हूँ, ऐसा उसने कहा। क्यों, आप भी घबरा रहे हैं, गणित के सवाल नहीं आते, सोशल में भी समस्या है, अंग्रेजी ठीक से नहीं आती, हिंदी भी मुश्किल है, सोचकर डर रहे हैं? बिल्कुल मत डरना, प्रभु आपकी सहायता करेंगे, उसी के लिए मैं प्रार्थना करने वाला हूँ। अब देखिए, 1 शमूएल 17वें अध्याय में दाऊद को गोलियात के ऊपर प्रभु ने कितनी बड़ी विजय दिलाई। दाऊद को प्रभु ने सामर्थ्यशाली बनाया और एक बहुत बड़े राक्षस के ऊपर उसने जय पाई। आज परीक्षा एक बहुत बड़े राक्षस की तरह, गोलियात की तरह लग रही होगी, लेकिन आप जय पाएंगे।
भयभीत ना होइए। उसके लिए क्या करना है? जैसा कि मैंने बताया, पहले भी आपको ये बताया है कि दाऊद बहुत ही हिम्मत के साथ गोलियात से लड़ा। उसके अंदर डर नहीं था। तो पहले आप अपना डर दूर करें, और उस डर को निकालने के लिए यीशु का संग रहना जरूरी है। उनके संग रहने से हिम्मत आएगी। और दूसरा जो करना है, यानी अगर विजय पानी है, दाऊद ने क्या किया था पता है? गोलियात से युद्ध करने के लिए जब वो उसके पास गया तो उसे हाथ में तलवार लेकर लड़ना नहीं आता था। वो बस यही जानता था, गोफन के अंदर पत्थर रखकर घुमा के मारना। अपनी फसल की देखभाल में जब कोई जानवर आता था, भालू, शेर, चीता, जब कोई आता था तो उसी से मारकर उन्हें भगाता था। वो बस वही चलाना जानता था, उसको उसी की आदत पड़ी थी। इसलिए उसने नदी में उतरकर 5 गोल गोल पत्थर निकाले, जबरदस्त पत्थर, गोफन में रखकर मारने के लिए सही पत्थर। उसी ने ढूंढ कर निकाले, किसी से मंगवाए नहीं, क्योंकि लाते तो छोटा लाते या बड़ा लाते। उसी ने ढूंढ कर 5 पत्थर निकाले और अपनी थैली में रख लिए। वो पत्थर रखकर जब उसने मारा तो प्रभु ने उसे विजय दिलाई, यानी उसका उपयोग किया, उस राक्षस से मिलकर उससे युद्ध करने के लिए उसे तैयार किया। देखिए वचन क्या कहता है, नीति वचन 21:31 में, युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा से ही मिलती है। यानी जब घोड़ा युद्ध के लिए ले जाते हैं तो ऐसे ही नहीं ले जाते, उसे तैयार करके ले जाते हैं, क्योंकि युद्ध में घोड़े को ले जाने से पहले जब पूरी तैयारी कर लेंगे तभी जय प्राप्त कर पाएंगे। तो आपको एग्जाम के लिए तैयार होना है, अच्छी तरह से पढ़ें। आप उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर ध्यान लगा कर पढ़ें, क्योंकि जो लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, आलसीपन में रहते हैं, उनकी प्रभु सहायता नहीं करते हैं। जो कोई अपने किसी भी कार्य में प्रभु को समक्ष रखकर जी जान से कड़ी मेहनत करता है, उन्हीं की प्रभु सहायता करते हैं। तो आपको एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। अभी तक आप चाहे जैसे भी रहे हों, लेकिन आज के दिन से ही एक टाइम टेबल बनाकर सवेरे क्या पढ़ना है, सुबह सवेरे कितने बजे उठकर पढ़ना है, रात को कितने बजे तक पढ़ना है, शाम को क्या पढ़ना है, एक टाइम टेबल बना लें। जब तक एग्जाम खत्म नहीं होते हैं तब तक जितने भी दिन पढ़ाई के लिए मिलते हैं उनमें कुछ कार्यों का त्याग करें। जैसे टीवी देखना कंप्लीटली छोड़ दें, मोबाइल में बात करने का उपयोग कम करें, दोस्तों से मिलना जुलना बात करना कम करें, यानी समय बर्बाद न करें। एग्जाम खत्म होने तक ये सारी चीजें अवॉइड करें, पढ़ाई में ध्यान लगाकर अपने आप को तैयार करें। कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है इस बात का एक प्लान बनाकर उसके अनुसार जब आप ध्यान लगाकर पढ़ाई करेंगे तो प्रभु आपको जय दिलाएंगे, वो संग रहेंगे, पढ़ाई में मदद करेंगे, पढ़ने के बाद एग्जाम लिखते समय भी वो आपके संग रहेंगे। आप सोच सकते हैं कि मुझसे कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहा है, पढ़ने की इच्छा है, मैं प्रयास भी कर रहा हूँ लेकिन ध्यान से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, ऐसा सोच रहे हैं, उसके लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। प्रभु आपको अच्छा कॉन्सेंट्रेशन देंगे। उसके लिए क्या करना है पता है? जब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले अपने हाथ में बाइबल रख के 5 मिनट तक उसके वचन पढ़ें, यानी 5 मिनट तक जोर से वचन पढ़ें और 5 मिनट के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु, मैं पढ़ने वाला हूँ, मेरी सहायता करें, मुझे अच्छा कॉन्सेंट्रेशन दो, ध्यान से पढ़ाई करूँ वैसी मेरी सहायता करो, बोल के प्रार्थना करें। अवश्य परिवर्तन देखेंगे। 4 घंटे में जो पढ़ाई होनी है वो आप 2 घंटे में ही पूरी कर देंगे। इस प्रकार प्रभु आपकी सहायता करेंगे। मुझे कुछ याद ही नहीं रहता है, रात को जो कुछ पढ़ता हूँ सुबह मैं भूल जाता हूँ। आप ऐसा सोच रहे हैं। एक बार की बात है, एक माँ अपने बेटे को लेकर आई, मेरे बेटे की सरकारी परीक्षा है, इसके लिए प्रार्थना करो, ऐसा बोलकर वो आंसुओं के साथ रोने लगी। मैंने पूछा कि आखिर बात क्या है, तो लड़के ने कहा, जो कुछ मैं रात को पढ़ता हूँ सुबह भूल जाता हूँ, मैं जो कुछ भी याद करता हूँ वो याद नहीं रहता है, मैं एग्जाम कैसे लिख पाऊंगा, बोल के रोने लगा। मैंने कहा, मैं प्रार्थना करूंगा, यीशु पिता तुम्हें अच्छी याददाश्त देंगे। उसके सिर पर हाथ रखकर मैंने प्रार्थना की, प्रभु ने आशीर्वाद दिया। कुछ महीनों के बाद वही माँ और बेटे दोनों मिलकर आए। उस लड़के ने कहा, उसके बाद से मेरी याददाश्त बढ़ गई है, मैं जो भी पढ़ता हूँ अच्छी तरह याद रहता है, अच्छी तरह से एग्जाम लिखकर मैंने बहुत अच्छे मार्क्स लिए। उसने कहा, आज आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूँ, प्रभु आपको भी अच्छी याददाश्त देंगे, आप बिल्कुल भी मत डरिए। अभिभावक बच्चों के लिए, प्रभु मेरे बच्चों को अच्छी याददाश्त दो, ऐसा बोलकर प्रार्थना करें। तो हम प्रार्थना करें, मुझे अच्छी याददाश्त दो, अच्छा कॉन्सेंट्रेशन दो,
पढ़ाई में मुझ पर कृपा करो, वो कृपा करेंगे। आज से ही मेल मिलाप करो कि अब से मैं अच्छी तरह पढ़ाई करूंगा, ध्यान से पढ़ूंगा, ज्यादा टाइम पढ़ाई को दूंगा और ध्यान लगाकर पढ़ूंगा, ऐसा बोलकर समर्पित हूँ। अब हम प्रार्थना करें। अभिभावक एग्जाम लिखने वाले बच्चों पर अपना हाथ रखें। मेरे बेटे मेरी बेटी को प्रभु आशीर्वाद दो बोलकर मेरे साथ प्रार्थना करें। अब हम प्रार्थना करें। परम पिता, इन अच्छे बच्चों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ पिता। हे परमेश्वर, ये बच्चे एग्जाम के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, ये तुम जानते हो। इनके मन में अगर कोई डर है तो यीशु के नाम से इनके मन से डर निकल जाना चाहिए। तू मत डर, मैं तेरे संग हूँ, ऐसा कहने वाले परमेश्वर, इन बच्चों के संग रहकर इनकी सहायता करो। प्रभु, इन बच्चों को पढ़ाई में अच्छी याददाश्त प्रदान करो। आज से ही इनमें अच्छी याददाश्त पैदा हो, उस प्रकार से यीशु के नाम से इन्हें आशीर्वाद देकर मैं प्रार्थना करता हूँ पिता। प्रभु, पढ़ाई में अच्छी तरह से ध्यान लगाकर कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़े, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। इनके दिमाग में कन्फ्यूजन वाली जो भी चीजें हैं वो दूर हो जाएं। ध्यान लगाकर पढ़ें, उस प्रकार से निरंतर पढ़ें, वैसे इनकी सहायता करो, समय बर्बाद ना हो। वैसे सुबह शाम रात में प्रार्थना करने के लिए ये जो भी समय निकालते हैं उसमें तुम इन बच्चों की सहायता कर रहे हो। प्रभु, समझा कर इन बच्चों को चलाओ, कौन कौन से विषय किस समय पर पढ़ने हैं, इस प्रकार से प्रभु तुम इन्हें समझा रहे हो, इनकी सहायता कर रहे हो। जो भी इनके लिए कठिन विषय हैं उन्हें तुम सरल बना दो। गणित के सवाल मेरे दिमाग में नहीं बैठते, ऐसा कहने वाले बच्चों को ज्ञान दो। अंग्रेजी मेरे दिमाग में नहीं बैठती है, ऐसा कहने वाले बच्चों के लिए अंग्रेजी सरल बना दो। जिस सब्जेक्ट में भी ये बच्चे वीक हैं, यीशु के नाम से उसमें विशेष ज्ञान प्रदान करो, इन्हें आशीर्वाद प्राप्त हो। एक चमत्कारी बदलाव आज ही होना चाहिए। पढ़ते समय तुम्हारी उपस्थिति इन बच्चों के संग हो, आशीर्वाद देकर मार्गदर्शन करो। अभिभावकों की प्रार्थना सुनकर बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए तुम्हारी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। इन बच्चों के लिए बड़ी जय तुमने रखी है, उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता, आमेन, आमेन। प्रिय बंधुओं, प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुनी, वह आपको अच्छा ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, याददाश्त भी बढ़ा रहे हैं, पढ़ने के लिए अच्छा कंसंट्रेशन दे रहे हैं। आपको क्या करना है? बाइबल का एक अध्याय पढ़ें और प्रार्थना करके अपनी पढ़ाई शुरू करें। प्रभु संग रहकर आपको चलाएंगे और एक आउटस्टैंडिंग विक्टरी आप पाएंगे। आपकी सोच से भी ज्यादा प्रभु नंबर दिलाएंगे, आपको प्रथम स्थान पर वो जय दिलाएंगे। हिम्मत रखिए, यीशु संग है, वो जय दिलाएंगे, आमीन। ये कार्यक्रम आपके लिए आशीर्वाद लेकर आया होगा, हमें विश्वास है। आप लगातार बहुत कुछ अचीव करें, उसके लिए हमारी शुभकामनाएं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना करेंगे। बाय फ्रॉम रूथ। कृपया अपनी प्रार्थना और गवाही निवेदन इन पतों पर भेजें। जीसस रिडीम्स मिनिस्ट्रीज, गेथसेमाने प्रेयर सेंटर, नई दिल्ली, फोन 011-2561-6253-2564-3478। गेथसेमाने प्रेयर सेंटर, झारखंड, फोन 0651-224-4625-0969-354-2812। गेथसेमाने प्रेयर सेंटर, मुंबई, फोन 022-2566-9766-0966-4050567। प्रभु आपको आशीष दें।